आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे। ए टेक्स 10 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ वेर पीस ऑफ वर्क। इफ बोथ ए एंड बी कैन डू इट इन 12 डेज देन द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश द वर्क इज। ए क्या करता है, बी जो इतना टाइम लेता है उससे 10 दिन कम लेता है एक काम को ख़त्म करने के लिए, और ए प्लस बी जब उसी काम को करते हैं तो 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं। हमें बताना है कि बी अकेला अगर करता तो कितने दिन में उस काम को ख़त्म करता। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मैं इसमें 2-3 मेथड आपको बताऊंगा, तो आप इसमें गौर फरमा सकते हैं कि आपको इसको कैसे हल करना है। तो इससे आपकी दूसरे क्वेश्चंस को भी करने में भी थोड़ी आइडिया मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप आराम से इसको इत्मीनान से देख सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन बताऊँगा 2-3 टाइप के, ठीक। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं इस जो सॉल्यूशन है इसमें मैं क्या लूँगा। पहले मैं बात करूँगा एफिशिएंसी की, और जो दूसरा सॉल्यूशन होगा उसमें मैं 1 डे वर्क की बात करूँगा कि नंबर ऑफ डेज के वर्क में आप आंसर को निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी वाली तो हम हमेशा जानते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है इसमें ऐसे क्वेश्चन में, और फिर मैं बताऊँगा ऑप्शन के थ्रू भी कैसे जाना है। हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि ए क्या कर रहा है, 10 दिन लेस काम कर रहा है। तो अगर मैं मान लूँ कि अगर ए एक्स दिन में काम ख़त्म कर रहा है तो बी क्या कर रहा है, इससे 10 दिन ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ए 10 दिन कम ले रहा है। तो आप या तो इसको बी को एक्स मान के इसको एक्स माइनस टेन वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, बी को एक्स मान लो, ए को एक्स माइनस टेन मान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ए प्लस बी की बात कर रहा है कि 12 डेज में काम को ख़त्म कर रहा है, ठीक है, इस लाइन में, ठीक है। तो जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमारे पास किसी की एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, ठीक है। यहाँ पे टोटल वर्क तो दिया नहीं गया है, तो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ दूसरे सॉल्यूशन में कि एलसीएम को टोटल वर्क मान लिया जाए। लेकिन यहाँ पर एलसीएम आप ऐसे इक्वेशंस में जहाँ वेरिएबल यूज़ हो रहा है वहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ए प्लस बी 12 दिन में काम कर रहा है उसी को मैं मान लेता हूँ कि ये टोटल वर्क होगा, कि 12 यूनिट वर्क जो है ये टोटल वर्क है, ठीक है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि टोटल वर्क है, इससे इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या 12 दिन में ये काम कर रहे हैं ए प्लस बी मिलके, 12 यूनिट टोटल वर्क है, काम ही 12 यूनिट का है, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अगर मैं एफिशिएंसी निकालना चाहूँ किसी भी इंसान की तो हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं एक एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो क्या होगा, मैं उसको जानूँगा कि टोटल वर्क है अगर मेरे पास, तो अगर एक्स डेज में ख़त्म कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज आप लिख सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ डेज में ख़त्म कर रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक दिन की उसकी कितनी क्षमता है, ठीक है, टोटल वर्क है अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे टोटल वर्क हमने क्या माना, 12 यूनिट, एक्स डेज में ये काम कर रहा है, हमने एक्स भी माना ही है, तो यहाँ पर एक्स हम ले लेते हैं, आप इसको 1 मान सकते हो, एक्स नंबर ऑफ डेज में ये 12 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 12 अपॉन x यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है इसकी, ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी है, ठीक। बी की भी मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क हमने क्या माना, 12 यूनिट माना, कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, x प्लस 10 डेज में, तो ये 12 अपॉन x प्लस 10 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब मुझे तो पता है कि ए प्लस बी की भी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि अगर ये मिल के काम कर रहे हैं तो क्या इनकी एफिशिएंसी होगी। तो 12 यूनिट टोटल वर्क हमने माना है और ये 12 डेज में काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1 यूनिट पर डे की, ठीक है। तो अब देखिए ए प्लस बी तो हमारे पास है, यहाँ ए भी है बी है, तो क्यों ना हम ए प्लस बी जो कि ये वाला ए है
और ये वाला बी है, मिलके ए प्लस बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको थर्ड होना चाहिए कि नहीं। ए प्लस बी के बराबर होगा, मीन्स इनकी मिला के एफिशिएंसी, टुगेदर एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को डाल देते हैं सीधे से, 12 अपॉन x प्लस 12 अपॉन x प्लस 10 बी की वैल्यू। ए प्लस बी हमारे पास क्या आया था, 1 यूनिट पर डे, 1 के बराबर। ठीक है, एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 x, यहाँ पे क्या आ गया, 12 x प्लस 120 प्लस ये 12 इधर गया, तो 12 x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास 24 x प्लस 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 x आ गया। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, -14 x प्लस -120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू 0 आ गई। तो ऐसा मेरे को कोई टर्म ढूंढना है, फैक्टराइज करना है 120 को, कि उसके दो फैक्टर्स ऐसे हों जो एडिशन में तो 14 x हो रहे हों, मल्टीप्लिकेशन में 120। तो यहाँ पे देखिए, 20 × 6 क्या होता है, 120, आप जानते हैं। तो यहाँ 20 और 6 को अगर मैं ऐसे लिखूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 20 x प्लस 6 x माइनस 120, तो इसमें कोई अंतर पड़ेगा क्या इक्वेशन में, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, 20 और 6। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई यहाँ कर रहा हूँ, अब ऊपर एक्स एक्स माइनस 20 प्लस 6 x माइनस 20। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ सकती है, x प्लस 6, x माइनस 20 है, तो x की एक वैल्यू तो 20 है और एक माइनस 6 है, तो कोई माइनस 6 में एफिशिएंसी, सॉरी नंबर ऑफ डेज आ नहीं सकता a की वैल्यू, तो क्या पॉजिटिव वैल्यू को हम लेंगे। तो कि a की वैल्यू अगर 20 डेज में काम ख़त्म करने की है, तो हमसे पूछ रहे हैं b अलोन कितने दिन में करेगा, तो x प्लस 10 डेज में करेगा, तो 20 प्लस 10 30 डेज, 30 डेज में वो काम को ख़त्म करेगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया, आइए अब अगले मेथड पे चलेंगे। अगला मेथड ये कहता है कि एक दिन के काम को आप उसको तुलना करें, एक दिन की या 2 दिन की। ठीक है, तो मैं फिर से वही डेटा को लिख लेता हूँ, पहले ए बी, ए प्लस बी, एक्स एक्स प्लस 10 और यहाँ 12। ए कर रहा था एक्स दिन में, बी क्या है 10 दिन ज़्यादा लगा रहा है, ए क्या है 10 दिन कम लगा रहा है, तो ए प्लस ए बी क्या है 10 दिन ज़्यादा लगा रहा है, ए प्लस बी 12 दिन में करना है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में जहाँ पे मैं 1 डे वर्क की बात करूँगा, तो एक दिन का मैं काम निकालूंगा पहले, तो ए का 1 डे वर्क निकालते हैं, 1 डे में कितना काम करता है। ठीक है, तो 1 डे वर्क निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, एक दिन में अगर एक काम करेगा कोई इंसान, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 1 यूनिट। ठीक है, और अगर 2 यूनिट काम कर रहा है वो, ठीक है 2 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 1 अपॉन 2, ठीक है हाफ, और अगर 3 दिन में कर रहा है तो 1 अपॉन 3। तो अगर हमें किसी का 1 डे वर्क निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन जो वैल्यू कितने दिन में वो काम को टोटल डे टाइम ले रहा है, तो उसका हमें एक दिन का वर्क निकल जाएगा। तो एक्स डेज में ये काम ख़त्म कर रहा है पूरा, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 1 अपॉन x। बी कर रहा होगा 1 अपॉन x प्लस 10, और ए प्लस बी कितना कर रहे होंगे, क्योंकि 12 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 1 अपॉन 12 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन आ गई है जहाँ पे ए बी और ए प्लस बी है, तो इन दोनों को मिला के बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए क्या है यहाँ, वन अपॉन एक्स, यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस टेन, और यहाँ वन अपॉन ट्वेल्व। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एक्स प्लस टेन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन इज इक्वल टू वन अपॉन ट्वेल्व। इसकी सॉल्यूशन मैं इधर करता हूँ, 12 इंटू 2x प्लस 12 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ पे हमारे पास 24x प्लस 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आप देख के समझ सकते हैं कि हमने जो पिछले सॉल्यूशन जो किया था पिछले मेथड से एफिशिएंसी मेथड, तो सेम इक्वेशन आई थी जहाँ पे एक्स हमारा क्या आया था 20 और माइनस 6, ठीक है। प्रीवियस सॉल्यूशन में आपने देखा होगा, प्रीवियस सॉल्यूशन जो हमने किया था एफिशिएंसी मेथड से, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रीवियस मेथड में आया था, तो हम इस मेथड से भी हमारे आंसर को ला सकते हैं। बात आती है कि अब ऑप्शन से हम कैसे जाएंगे, तो हमारे पता है कि हमारे पास आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए है आंसर, क्योंकि एक्स है 20, हमें बी की वैल्यू चाहिए, एक्स प्लस टेन है, तो 20 प्लस टेन 30, ठीक है, 30 डेज जो है हमारा आंसर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन मेथड देखेंगे ऑप्शन से कैसे निकालते हैं, कि अगर एग्ज़ाम में आया तो हम ऑप्शन से कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर ए ए की बात करें हम ऑप्शन से कैसे निकालेंगे, ए की और बी की बात करते हैं, तो अगर मैंने मान लिया कि बी की वैल्यू दी गई है ये 30 डेज, या पहले हम मान लेते हैं कि हमें तो पता है कि ए आंसर है, तो पहले हम रॉन्ग टर्म्स को लेते हैं सी जो कि आंसर नहीं है। तो बी मान लिया कि 20 डेज में ये काम ख़त्म कर रहा है, ए कितना कर रहा है 10 डेज लेस। अगर हम क्या करते थे, इसका एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए, तो टोटल वर्क कितना ये हो जाएगा 20। फिर हम क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, ए की एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क अपॉन कितना होता है नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क है 10 20 अपॉन 10, 2 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी, बी की कितनी हो जाएगी 20 अपॉन 20, 1 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी से हमें मैच करना है, कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 12 डेज की, ठीक है, 12 डेज की एफिशिएंसी है, क्या सही में 12 डेज की एफिशिएंसी इस ऑप्शन से आ रही है जो हमने ये सेलेक्ट किया है। तो एफिशिएंसी निकालनी है ए प्लस बी की, टोटल वर्क कितना हमारा था हमने 20, और हमारे पास कितना आया है ए प्लस बी का एफिशिएंसी अपॉन एफिशिएंसी, तो 20 अपॉन 2 एफिशिएंसी आई है ए की, बी की आई है 1, कितना 20 अपॉन 3, जो कि 12 डेज से मैच नहीं कर रहा है, नॉट इक्वल टू 12 डेज। तो हमें अगर ऑप्शन से जाना है तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है 12 डेज की उससे मैच करना। अब हम सही ऑप्शन जो कि हमें पता है कि क्या है, ए 30 डेज, ठीक है। तो ए बी बी को माना 30 डेज, ए क्या अंदर हो जाएगा 10 डेज लेस 20, एलसीएम लिया 60, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 60 अपॉन 20, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज 3, बी की एफिशिएंसी 60 अपॉन 30 कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम ए प्लस बी की मिला के एफिशिएंसी निकालेंगे कितनी है, टोटल वर्क है 60, ठीक है, टोटल वर्क टी डब्ल्यू टोटल वर्क अपॉन इनका नंबर ऑफ डेज सॉरी एफिशिएंसी, तो कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, ठीक है, हमें निकालना है कि ए प्लस बी कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ एफिशिएंसी नहीं, कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, तो 60 अपॉन 5 कितना होता है 12 डेज, जो कि किससे मैच कर रहा है, हमारे ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा है, हमने तो ऑप्शंस में इसे आंसर ये लिया कि 30 अगर बी को मैं मानता हूँ, ए को 20 माना, तो हमारे पास ए प्लस बी की जो क्षमता है मीन्स 12 दिन में काम ख़त्म करते हैं, ये आके हमारे पास ऑप्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मेथड और है। तो यहाँ पे देखिए हम और दूसरा मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं, अगर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है,
ठीक है, अगर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है, कौन सी, ये हमने पता कर ली है कि ये इक्वेशन है, तो हम ऑप्शन से इसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन कैसे चेक करेंगे, अगर आपने एक्स ए को माना है तो आपको एक्स क्या लेना पड़ेगा, जैसे अगर सही आंसर 30 है तो आपको 20 एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है, या तो अगर आपने बी को एक्स माना है तब आप एक्स की वैल्यू ले सकते हो, अदरवाइज आपको क्या, अगर आपने ए की वैल्यू एक्स ली है तो आपको 10 लेस लेना है। तो जैसे कि मैं अगर सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सही आंसर अगर 30 डेज है तो एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, 20, तो 20 का स्क्वायर -14 × 20 -120 = 0, ये 400 हुआ, ये 280 - 120, आप देख सकते हो कि 400 - 400 0, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो ये वैल्यू हमने एक्स की 20 ली है जो कि ए की है, ठीक है, ए की वैल्यू, बी की 30 है, तो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो आप इस इक्वेशन निकाल के भी फिर ऑप्शंस में घुस सकते हो, तो ये सब मेथड्स हैं आप सीख सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।